देखो मेरी बात सुनो संजीता, जो भी बात करनी ना प्यार मोहब्बत से करनी है, बस लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। मुझे अपने बेटे की सालगिरह मनाने के लिए सारा की इजाजत की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन तहम्मुल मिजाजी से प्लीज सुनो। इसलिए बुलाया था आपने मुझे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम। क्यों आई हो? सालगिरह मनाने। क्या? हाँ वो जाने की सालगिरह ना 2 दिन के बाद। खाला ये रहा मेरे जाने का बर्थ सर्टिफिकेट। आगे बोलो। खाला इतने सालों के बाद औलाद मिलने की खुशी आप समझ सकती है ना, क्योंकि आप भी एक माँ हैं। एक निकम्मे इंसान की। तो अब मैं चाह रही थी कि जानी की सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाऊं। इसी घर में? हाँ। खाला इसके लिए आपकी इजाजत दरकार है। भाई मुझसे ज्यादा जाने की इजाजत की अहमियत है? आज से पहले मेरी कोई मर्जी पूछी है? जो आप पूछ रहे हैं, जो दिल करता करें। भाई मेरी तरफ से इजाजत है। क्या हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया खाला। मैं जानती थी कि एक माँ के जज्बात सिर्फ एक दूसरी माँ ही समझ सकती है। अब तो तुम खुश हो ना? बहुत। अरे एक जरूरी कॉल आ रही है, मैं भी फोन सुन के आता हूँ। हेलो संजीदा, मैं इस दावत के लिए मेरा फेशियल कर देना, मुझे लग रहा है कि काफी दिनों से मेरी स्किन कुछ डल लग रही है। खाला फिक्र क्यों करती हैं? अब तो मैं आपकी अपनी बहू हूं, आपके लिए तमाम सर्विसेज बिल्कुल फ्री। फ्री होने की जरूरत नहीं है, पैसे दूंगी पैसे। चलिए।